to get you over here, for giving us the best platform. Your hard working, your efforts, your endless efforts for getting Pakistan Business Group on stage is absolutely remarkable. This whole event is all because of Mr. Farazul Rehman Sahab, the backbone of Pakistan Business Group, the leader of the business community, the chairman of Pakistan Business Group and the founder of Pakistan Business Group. I would like to also remind here that our patron Mr. Farhanur Rehman Sahab, elder brother of Farhanur Rehman Sahab and ex-chairman of Turkey Association of Trade and Industry, he's been a great help for Pakistan Business Group. As always, a helping hand, a fatherly figure, a fatherly hand on the tap, always welcome us on the new things. ऐसे मुनीर भाईजान हमारे सरफराज थे और तकरीबन उनका इंतकाल हुआ तो हमें बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे हम यकीन हो गए और उनसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। नई शख्सियत को निखारते हुए मैं तो बड़ा हाल मुनीर भाईजान एक ऐसी शख्सियत थे, मैं अक्सर कहा करता था कि अगर ऐसे 10-20 लोग पैदा होते हैं हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान दुनिया के हर कोने से ज़्यादा तरक्की कर सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, ये एक ऐसा इदारा है जो जिसके सबसे पहला लक्ष्य ही पाकिस्तान है। तो हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और उनको आगे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया। यहाँ हमने कोशिश की है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम कराची शहर में तमाम ग्रुप्स जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जितने भी ग्रुप्स हैं सबको ही इन्वाइट करते हैं ताकि वो यहाँ आए और सबसे मुलाकात करें, यहाँ जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सीनियर से कुछ हासिल करें। In ACLP, Asian religious communities work together to address various peace issues such as conflict resolution, refugee protection, anti-human trafficking, disarmament, and so on. And in recent years, a particular focus has been on the issue of climate change. Now ACLP is working to address climate change by utilizing the social and moral resources of each religion together. One such project is a flagship project, which is being superheaded by Religions for Peace Pakistan. Our Pakistan chapter is one of the leading chapters in ACLP, and it is leading the activities
of all national chapters of Legions of Peace. पाकिस्तान की जो हमारा खत्ता है की अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अब हमने इस तोहफे को इस तरह इस्तेमाल करना है, इस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, ये अब हमारे ऊपर है। हमने पाकिस्तान की खिदमत किस तरह करनी है ये हमारे ऊपर है। अब इस खिदमत के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया, पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जिसके अंदर मुझे खुशी है कि मेरे हम आवाज जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो जुड़ते चले गए और ये काफिला बड़ा होता चला गया। मुझे अपने बड़ों की तरफ से भी और मुझे अपने छोटों की तरफ से भी जो पजीराई थी, जो पजीराई थी, मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बाइस है। आज मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करके और थैंक यू अदा करूँगा और आप सबके लिए खाना हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हवाले से आपका क्या मैसेज है और क्या कहना चाहेंगे? बस आज के इवेंट से और मेरे हर मैसेज का एक ही है कि जी पाकिस्तान हमारा जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया हुआ ये मुल्क है और हर किसी को ये चाहिए कि जी पाकिस्तान की तरक्की में अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करे। इस वक्त पाकिस्तान बड़े क्राइसिस में है। मैं समझता हूँ कि डॉलर की जो परचेज़ है और डॉलर की जो ज़खीरा अंदोज़ी है वो तमाम चीज़ों से हमें रुकना पड़ेगा। हमें अपने ज़ाती मफाद से बढ़कर मुल्क के मफाद को रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का मफाद जो है वो हमारा इसी में है कि जी हम जो है वो सारे मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के ऊपर काम करें। और आज इवेंट बेसिकली हमारा सालाना इवेंट होता है कॉर्पोरेट मीटअप डिनर और इसका मकसद यही होता है लोगों को जोड़ना, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को जनरेट करना, B2B एक्टिविटीज़, B2C एक्टिविटीज़ करना। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और हम ये समझते हैं कि जो आइंदा आने वाला साल है वो इससे भी बड़ा इवेंट अब करेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो है वो अपने तमाम तर बिगनर्स से लेकर और टाइकून्स तक सबको कनेक्शन करने का और तमाम तर अलग अलग जमातों के जो दोस्त अहबाब हैं उनको मिलाने का ज़रिया है। आज की तकरीब जो थी वो जैसे कि आपको पता है हमारा जो मुतमईन नज़र है वो ये कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों में बहुत टैलेंट है, पढ़ाई भी की हुई है लोगों ने लेकिन उनके पास मौके मौजूद नहीं। तो हम चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को मौके प्रोवाइड करें आगे निकलने के, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम
जो पाकिस्तान के सीनियर बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनको हम मधु करते हैं, गवर्नमेंट हाई ऑफिशल्स को हम मधु करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अगर किसी की ज़रूरत होती है तो वो एडजस्ट भी होता है, नहीं तो उनको तजर्बा हासिल होता है। तो हमारे बस यही कोशिश है कि जो टैलेंटेड हमारे लोग हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, उनको हम किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि जी वो आगे बढ़ें और अपना बिजनेस फ्लरिश करें, वो भी एक वक्त आए कि वो भी एक टाइकून कहलाएं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने हमें ये सलाहियत दी कि हमने ये इवेंट किया, और उसके बाद फराज़ुर रहमान साहब की जो काविशें हैं और हमारे साथ उनका हमेशा हाथ रहा है कि हमें वो सपोर्ट करें, हमें गाइड करें, हमें लोगों को मोटिवेट करें कि अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने लोगों को यहाँ पर एक्टिव करें। हमारा पर्पस जो है वो पाकिस्तान को बिज़नेस ग्रो करना है, हमें पाकिस्तान के बिज़नेस को जनरेट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को जनरेट करना है। हमारे पास देखें, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और उसके लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे यूथ हमारे मुल्क से बाहर जाने का ना सोचे, बल्कि यहीं के लिए कुछ ना कुछ सोचे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की हर साल एक कॉर्पोरेट इवेंट मुनक्किद कराता है, जिसमें B2B और B2C के हवाले से जो है वो हम गैदरिंग रखते हैं। उसमें पाकिस्तान में जितने भी बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें और आपस में नेटवर्किंग के ज़रिए कारोबार बढ़ाने के लिए हम मौक़े क्रिएट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमने जो है एक इसी तरह का एक इवेंट मुनक्किद किया था, जो फराज़ुर रहमान भाई के ने ये सब अरेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप देख रही हैं कि किस तरीके से पूरी कम्युनिटी ने जो है इसमें शिरकत की। तो बड़ा अच्छा इवेंट था, यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे गैदर हुई हुई थी, बिज़नेस कम्युनिटी, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हाउ टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे, स्पेशली इस वक्त जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें इस तरह की एक इवेंट होना एक बहुत मोटिवेशनल है विद फॉर ऑल द बिजनेस एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हमारी जो बेसिक कंपनी, हम लोग पाकिस्तान में क्रूज़ सर्विस हमने इंट्रोड्यूस की है, एंड वी आर द पायनियर्स इन द क्रूज़ सर्विस, जो यहाँ पे इंटरटेनमेंट है, सी इंटरटेनमेंट। जैसे कराची कोस्ट लाइन पर आप जाते हैं तो एक डेड आपको लोकेशन मिलती थी, बट अब ऐसा नहीं है। कराची में क्रूजेज, बोटिंग सर्विस सी के ऊपर, सो शैनिक क्रूज़ हमने फॉर्म किए, तो लास्ट 5 ईयर से वी आर वर्किंग, एंड इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ऑडियंस, एंड थैंक यू वेरी मच।